नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और आपके साथ हूं मैं आयुषी नेगी। तो चलिए फटाफट अंदाज में रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर का। राजकोट आगजनी में डूंगरपुर जिले के पीड़ितों के लिए डूंगरपुर लवाना समाज आके आया है। लवाना समाज ने 12 दिन में पीड़ितों की मदद के लिए 7,31,000 रूपये की सहायता राशि जुटाई। डूंगरपुर जिले के क्षत्रिय दर्जी समाज चौकला आसपुर की बैठक द्वारकाधीश मंदिर में आयोजित हुई। बैठक में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। डूंगरपुर जिले में आसपुर ब्लॉक के मुख्य शिक्षा अधिकारी प्रकाश दुआ ने पंचायत समिति सभागार में शिक्षकों की बैठक ली। बैठक में ब्लॉक रैगिंग बढ़ाने स्माइल कार्यक्रम पर चर्चा की। डूंगरपुर जिले के आसपुर कस्बे में सोमकमला आंबा जल वितरण योजना की पाइपलाइन टूटने से हजारों लीटर पानी सड़क पर बहा। सूचना के बाद जलदाय विभाग ने पाइपलाइन को दुरुस्त किया। डूंगरपुर जिले के पीठ में अखिल राजस्थान प्रबोधक संघ उपशाखा सीमलवाड़ा की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया। बारा में मोटपुर के पास परवन नदी में एक युवती का शव मिला। पुलिस ने शिनाख्त के लिए शव को कवाई चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया। बारा के अंतर में सड़कों पर मवेशी के जमघट से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। बारा में छिपाबड़ौल से बालिका के अपहरण के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की है। साथ ही पोक्सो एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया है। बारा के सिमली गांव में चैत माता मंदिर में संकट चतुर्थी पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। बारा की कोतवाली में पुलिस ने एक 11 वर्षीय बालक से कुकर्म करने के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। नागौर जिले के पर्वतसर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में की ओर से राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। नागौर जिले के पर्वतसर ब्लॉक के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की अनूठी पहल सामने आई है। विद्यालय के स्टाफ ने 81,600 रुपये जुटाकर कंप्यूटर लैब की स्थापना की है। नागौर जिले के रियाबड़ी उपखंड के जसनगर के लूणी नदी मैदान में एक दिवसीय तीज माता के मेले का आयोजन हुआ है। वहीं नागौर जिले के मिर्ता रोड के निकट छापरी गांव में खेतों की फसलों से गायों के हिस्से का हरा चारा निकालकर उत्सव के रूप में आयोजन किया गया। पौशाला में गायों को हरा चारा खिलाया गया। नागौर जिले के पर्वतसर में वीर तेजाजी पशु मेला का आयोजन शुरू हुआ। अब तक मेले में पहुंचे 1600 पशु। झालावाड़ जिले के कड़ोदिया में सरपंच आशा पाटीदार ने कोविड वैक्सीन लगवाकर सभी ग्राम पंचायत वासियों से वैक्सीन लगवाने की अपील की है। झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र के सावंतखेड़ा चारागाह और वन भूमि पर अतिक्रमण से ग्रामीणों में भारी रोष है। इस दौरान दर्जनों आक्रोशित ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। झालावाड़ जिले में रायपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित वैक्सीनेशन शिविर में 317 लोगों को कोविड वैक्सीन के टीके लगाए गए। झालावाड़ जिले के पिड़ावा क्षेत्र के बोरखेड़ी में श्री धाकड़ युवा फ्रेंड्स क्लब के तत्वाधान में विद्यालय में पौधारोपण किया गया है। झालावाड़ जिले के सुनेल में ग्राम पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान अहिल्याबाई कॉलोनी में मशीन की मदद से कच्चे और पक्के अतिक्रमण को हटाया गया है। बांसवाड़ा जिले के कलिंजुरा थाना क्षेत्र से गुजर रहे हाईवे पर पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई। बांसवाड़ा जिले में लोहारिया थाना पुलिस की जीप का ब्रेक फेल हो गया, जिस कारण से जीप दीवार से टकरा गई। इस हादसे में चालक सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। बांसवाड़ा जिले में कलाकार हर गांव और शहर में नशा मुक्ति का संदेश दे रहे हैं। चिकित्सा विभाग की ओर से ये अभियान चलाया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले में पानीवाला गड़ा गांव के सरकारी स्कूल में चोरी की वारदात हुई। इस स्कूल में 12वीं बार चोरी की वारदात हो चुकी है। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के नागदाबड़ी के पास टेम्पो पलट गया। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के मातासर गांव में मिग-21 क्रैश होने के मामले को लेकर वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए हैं, जिसके बाद वायुसेना के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पचपदरा विधानसभा के क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने विधायक हेमाराम चौधरी के आवास पर पहुंचकर उनके छोटे भाई के निधन पर संवेदना व्यक्त की है। वहीं श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, बाड़मेर जन सेवा समिति, भारत विकास परिषद, जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में दिव्यांगों को निःशुल्क मशीनें बांटी गई। बायतू विधानसभा क्षेत्र के झाग गांव के पास दो बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिससे एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो गए हैं। चौमू शहर में सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन फिर भी सड़क के किनारे कचरा और नालियां टूटी पड़ी हुई हैं। चौमू बस स्टैंड पर रोडवेज बस में पर्स चोरी करने वाली महिला को बुकिंग क्लर्क ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। चौमू के मोरिजा बस स्टैंड पर स्विफ्ट कार ने एक राहगीर को कुचल दिया, जिससे राहगीर की मौके पर ही मौत हो गई। चौमू में गोविंदगढ़ पंचायत समिति की सीटों पर होने वाले चुनाव में प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी। पूर्व विधायक इधर चौमू में विश्वकर्मा के रीको इलाके की बैराठी फाउंडेशन द्वारा विकसित पार्क में लघु उद्योग भारती द्वारा 101 छायादार पेड़ लगाए गए। अजमेर में सरवाड़ के सातोलाव में चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने को लेकर पहुंचा प्रशासन और जाप्ता, लेकिन दल को कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर वापस लौटना पड़ा। अजमेर के सरवाड़ा में सातोलाव से सांगानेर तक की सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है।
अजमेर के उपखंड मुख्यालय पिसांगन समेत देहात में कजरी तीज के अवसर पर महिलाओं ने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखकर कथा सुनते हुए विधि विधान पूर्वक तीज माता की पूजा अर्चना की। अजमेर में रूठे इंद्र को मनाने के लिए पिसांगन उपखंड के फतेहपुर में ग्रामीणों ने लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के दरबार में हाजिरी देकर तेजा गायन करवाते हुए बारिश की कामना की है। अजमेर में ग्राम झाड़ूल और मंडावरिया में विद्युत विभाग के 4 ट्रांसफार्मर चोरी होने से ग्रामीण परेशान हैं। पुलिस से जल्द ही चोरों को पकड़ने की मांग की जा रही है। खैरतल कस्बे के वार्ड नंबर 15 और 16 में वाटर वर्क्स द्वारा डाली जा रही पाइपलाइन को लेकर बीचों बीच खोदा गड्ढा 15 दिन बाद भी ठीक नहीं किया गया। अलवर के कठुमर में प्रशासन और स्थापना समिति की बैठक का आयोजन हुआ। पंचायत समिति परिसर कठुमर में उपखंड अधिकारी रामकिशोर मीणा की अध्यक्षता में आयोजन हुई बैठक। अलवर में पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी राममूर्ति जोशी ने आदेश जारी कर थाना किशनगढ़वास में रिक्त पद पर अमित कुमार को थानाधिकारी नियुक्त किया है। रामगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुंदपुर में फिर डेंगू बुखार ने दस्तक दी है। पिछले साल डेंगू बुखार से कई व्यक्तियों की मौत हो गई थी। अलवर में निमराणा थानाधिकारी राजेश गजराज को भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी ने लाइन हाजिर किया है। निमराणा के शराब ठेकेदारों ने की थी अवैध उगाही को लेकर निमराणा सीओ की शिकायत। बूदिंग के आजंदा में संस्कृत सप्ताह का समारोह संपन्न हुआ। संस्कृत में हुआ गांव का वातावरण। बूंदी में हिंडोली वन क्षेत्र के ओवम गांव में वन भूमि से अतिक्रमण हटाया गया और रास्ते को बहाल कराया गया है। बूंदी में तालेड़ा पुलिस ने नकली डीजल के टैंकर को जब्त किया है और चालक को गिरफ्तार किया है। बूंदी में प्रशिक्षु आईएएस एसडीएम ललित गोयल ने झोलाछाप डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुड्डा नाथावत में उसकी क्लिनिक को सीज किया है। बूंदी में सदर थाना पुलिस ने अवैध रूप से केरोसिन ले जा रही एक पिकअप को जब्त किया है। चालक को गिरफ्तार कराया। जालौर में वित्तीय साक्षरता शिविर और खंड स्तरीय बैंकर्स समन्वय समिति की बैठक हुई। जालौर में जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णी की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक का आयोजन हुआ। जालौर जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के निर्देश पर जिले भर में हो रही लगातार कार्रवाई। विशेष अभियान के तहत स्थायी वारंटियों को किया जा रहा गिरफ्तार। जालौर जिले में मैपिंग का काम धीमी गति से होने पर 60 डीलरों को कारण बताओ नोटिस दिए गए। जिला रसद अधिकारी ने निकाले आदेश। राजसमंद के भीम में विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने डीएमएफटी की योजना के तहत विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। राजसमंद में लामबोडी के गुड़गांव में स्कूल खेल मैदान की 4 दीवारी निर्माण का पंचायत समिति सदस्य धर्मचंद गुर्जर ने निरीक्षण किया है। वही राजसमंद में रेलमगरा के साकरावास गांव में विद्युत लाइन टूटने से 2 बकरियों की मौत हो गई। बकरी चराने वाला रामचंद्र बार बार बचा। राजसमंद के रेलमगरा में लक्ष्मीपुरा विद्यालय के खेल मैदानों में लोगों द्वारा वाड़े बनाकर अतिक्रमण करने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई कर खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त करवाया है। राजसमंद के रेलमगरा में राजीव गांधी 2021 राज्य स्तरीय निबंध प्रतियोगिता में ग्राम पंचायत जुणदा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय की भूमिका शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बेगूनगर के नीलकंठ महादेव पर महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा आयोजित शिविर में 253 रोगी लाभान्वित हुए। बेगूनगर के बाड़ोदिया महादेव संन्यास आश्रम पर संकीर्तनकर्ताओं की बैठक में स्वामी धर्मानंद गिरी महाराज ने प्रवचन दिए। बेगू पुलिस ने जेल के पास नाकाबंदी कर फर्जी नेम प्लेट वाली कार से 80 किलो अवैध अफीम डूडा चोरा बरामद कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ में निकुंभ थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चुराने के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जीरण निवासी किसान ने सांवलिया सेठ को 100 ग्राम वजनी चांदी से निर्मित अफीम का पौधा अर्पित किया है। जोधपुर में भिलाड़ा के खारिया मीठापुर गांव में पाली सांसद पीपी चौधरी ने बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया है। भिलाड़ा विधायक हीराराम मेघवाल ने भिलाड़ा नई सड़क पर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कार्यकर्ताओं से पंचायत चुनाव को लेकर फीडबैक लिया है। जोधपुर के भिलाड़ा में जिला परिषद के वार्ड संख्या 17 की कांग्रेस प्रत्याशी धनवंती देवी का महिलाओं ने जगह जगह स्वागत किया है। जोधपुर के तिमरी में पंचायत चुनाव में भयमुक्त होकर मतदान करने को लेकर पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया है। जोधपुर के भिलाड़ा में जिला परिषद के वार्ड संख्या 17 के कांग्रेस प्रत्याशी धनवंती देवी के समर्थन में डॉक्टर राजूराम चौधरी ने दर्जनों गांव में चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। भिलाड़ा सहित आसपास के गांवों में महिलाओं ने अखंड सौभाग्यवती का पर्व तीज धूमधाम से मनाया। पिपाड़ पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में महिलाओं ने घर घर जाकर मत और समर्थन मांगा। भिलाड़ा के मुख्य सड़क मार्ग पर जगह जगह आवारा पशुओं का जमावड़ा रहता है जिससे आए दिन दुर्घटना हो रही है। पिपाड़ के साथिन गांव से महिला बिना बताए घर से लापता हुई। परिजनों ने पिपाड़ थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया है। पिपाड़ पुलिस ने उत्पात मचाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 लोगों को कोसाणा गांव और 1 को पिपाड़ से गिरफ्तार किया है। जोधपुर के शेरगढ़ में सावन की तीज के दिन महिलाओं ने व्रत रखकर विशेष पूजा अर्चना की और झूला झूला। जोधपुर के बाप उपखंड क्षेत्र के धौलियाबारू गांव में ग्रामीण अपने परिवार और पशुधन की प्यास बुझाने के लिए महंगे दामों पर टैंकर मंगवाने को मजबूर है जिससे परेशान ग्रामीणों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को ज्ञापन भेजा है।
जोधपुर के शेरगढ़ में महिला और बाल विकास परियोजना के उपनिदेशक ओम प्रकाश चौधरी ने स्थानीय कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। जोधपुर के शेरगढ़ में कार्यवाहक सीडीपीओ कमलेश राजपुरोहित को कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवाएं देने के कारण उपनिदेशक ओम प्रकाश चौधरी ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। जोधपुर के शेरगढ़ में सोमेसर जीएसएस में कार्यरत तकनीकी सहायक के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट कर दी। पुलिस ने राजकार्य में बाधा और मारपीट का मामला दर्ज किया है। जोधपुर में फलौदी स्थित राजस्थान रोडवेज संयुक्त कर्मचारी मोर्चा द्वारा प्रदेशव्यापी आह्वान पर अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिवसीय धरना फलौदी आगर कार्यशाला के सामने दिया जा रहा है। बावड़ी के सोला कस्बे में बाइक की चपेट से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रार्थी चंद्रा राम ने बाइक चालक के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जैसलमेर के नोक में चारे से भरा ट्रैक्टर पलटा जिसमें सवार 2 लोगों को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में लुहड़ीसर ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायत की भूमि पर भवन बनाने की मांग की है। जैसलमेर के मोहनगढ़ में लगातार वैक्सीनेशन जारी है। सीएचओ सुशीला बिश्नोई और पूरे स्टाफ द्वारा ग्रामीणों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जैसलमेर के पोखरण में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित सदस्य महंत प्रतापपुरी महाराज ने दौरा कर जनसमस्याओं को सुना। जैसलमेर के फतेहगढ़ में किसानों ने सहायक अभियंता डिस्कॉम कार्यालय का घेराव कर बिजली सुचारू करने की मांग की है। जैसलमेर के फतेहगढ़ की ग्राम पंचायत रेवड़ी में सग्राम फिटर के किसानों ने उपखंड अधिकारी दिनेश कुमार बिश्नोई को बिजली सप्लाई से परेशानी का ज्ञापन सौंपा है। जैसलमेर के फतेहगढ़ में प्रधान जनक सिंह भाटी के नेतृत्व में किसानों ने सहायक अभियंता डिस्कॉम कैलाश चौधरी को बिजली कटौती को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उदयपुर के झाड़ोल में विप्र सेना के राष्ट्रीय प्रमुख सुनील तिवारी ने चंद्रशेखर जोशी को विप्र सेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। झाड़ोल में महिला एवं बाल विकास कार्यालय में प्रज्ञा संस्थान के प्रतिनिधियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 310 N95 मास्क भेंट किए। उदयपुर के झाड़ोल में राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर द्वारा आयोजित 15 दिवसीय व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम 24 अगस्त से संदर्भ केंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रारंभ हुआ है। धौलपुर के राजाखेड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजाखेड़ा कस्बे की पंचायत समिति सभागार में जनसुनवाई की है। धौलपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी ने अचलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। धौलपुर में सैपो पंचायत समिति की नवगठित ग्राम पंचायत नंदपुरा में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने राजीव गांधी सेवा केंद्र के भवन का भूमि पूजन किया है। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सांडा को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने स्कूल के ताले तोड़कर कंप्यूटर सिलेंडर और कुर्सी के साथ अक्षयदान पेटी भी चोरी कर ली। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जिससे एक अवैध देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। टिब्बी के गांव डबली कलां में इंदिरा गांधी नहर किनारे बाइक लेडीज जेंट्स चप्पल और मोबाइल मिलने पर ग्रामीणों ने महिला पुरुष के नहर में कूदने की संभावना जताई है। हनुमानगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुशील जोशी ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए 4 जिला उपाध्यक्ष 2 महामंत्री 5 मंत्री सहित अन्य पदाधिकारियों की सूची जारी की है। पीलीबंगा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सनावा माला में जनसुनवाई कार्यक्रम में ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं के निराकरण को लेकर चर्चा हुई है। पीलीबंगा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल ग्राउंड की साफ सफाई और दौड़ के लिए ट्रैक बनाने की विद्यार्थियों और समस्त पार्षदों की मांग पर नगर पालिका ने खेल ग्राउंड की साफ सफाई करवाई है। खाजूवाला के तामणिया कॉलोनी स्थित खेल मैदान में युवा आजाद क्लब की ओर से आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।
तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे 150 गांव 150 खबर का। बीकानेर में नापासर के गुसाईसर गांव में श्री गुसाई जी बाबा गौ सेवा समिति के तत्वाधान में 7 दिवसीय गौकथा का आयोजन हुआ। बीकानेर के नोखा में तीज का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, साथ ही सुहागिनों औरतों ने 16 श्रृंगार कर पूजा अर्चना। बीकानेर के खाजूवाला में श्री गुरु जम्बेश्वर मंदिर में 7 दिवसीय विराट जाम्बाणी हरिकथा ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ। झुंझुनू के कारी में एसडीएम सुमन सोनल ने ग्राम पंचायत कार्यालय पटवार मंडल पीएससी और सहायक कृषि अधिकारी कार्यालयों का निरीक्षण किया है। झुंझुनू के बुडाना में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जवाहर चौधरी ने बुडाना पंचायत का निरीक्षण किया है। झुंझुनू में खिरोड़ की नई धर्मशाला में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक झुंझुनू सांसद नरेंद्र खीचड़ के मुख्य अतिथि में हुई है। झुंझुनू के बड़ा गांव में राज्य सरकार की ओर से चलाए गए अभियान के तहत घर घर औषधि पौधे बांटे गए हैं। झुंझुनू के शीशिया में मुक्तिधाम की तरफ जाने वाले रास्ते की हालत खस्ता है, रास्ते में बारिश आने पर पानी भर जाता है जिससे लोगों को परेशानी होती है। बलाना डूंगर उपखंड मुख्यालय पर पुराने तहसील कार्यालय के सामने सहित फाउंडेशन की ओर से कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कंडार क्षेत्र के नयापुरा तलावड़ा क्षेत्र में पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल के काफिले के सामने गोठवाल मुर्दाबाद के नारे लगे। बावनवास में शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आया। मौली थाना पुलिस द्वारा जब्त की गई मोटरसाइकिलें कबाड़ बनती जा रही है। डार उपखंड क्षेत्र में ग्राम पंचायत पाली के धनपुरी गांव में एक अज्ञात बाइक झाड़ियों में पड़ी मिली जिसे ग्रामीणों ने निकालकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। इंदौर सिटी में भारत विकास परिषद की ओर से 29 अगस्त को राजकीय अस्पताल में आयोजित होने वाले स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के पोस्टर का इंदौर एसडीएम मनोज सिंह ने लोकार्पण किया है। इंदौर नगर परिषद द्वारा एचडीएफसी बैंक में पीएम स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना अंतर्गत शिविर का आयोजन हुआ है। इंदौर सिटी में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में राष्ट्रीय संगठन मंत्री पुष्पा मंगल को समाज के प्रति उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। दुर्गाबी में पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के मामले में आरोपी ओम प्रकाश सैनी को गिरफ्तार किया है। के विभिन्न वार्डों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आशा सहयोगियों को चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अमर सिंह मीणा और चिकित्सा केंद्र पर कार्यरत स्त्री रोग विशेषज्ञ काराराम मीणा ने टीकाकरण के संबंध में दिशा निर्देश दिए।